हेलो एक्वेरियस, दिस इज एक्वेरियस वर्सेस एक्वेरियस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। एक एक्वेरियस पार्टनर की लव एनर्जी दूसरे एक्वेरियस के लिए क्या रहेगी फॉर द मंथ ऑफ जून। एक एक्वेरियस पार्टनर की एनर्जी दूसरे के लिए क्या रहेगी। सोलफुल सा कनेक्शन फील करेगा एक इंसान, उसको लगेगा ये म्यूचुअल लव है, दोनों ही लव करते हैं। सोलफुल कनेक्शन फील करता है एक इंसान, दूसरे को देखता है कि ये मेरा सोलमेट है। इस एक्वेरियस की लव एनर्जी दूसरे के लिए क्या होगी। एम्प्रेस, ये जो इंसान है टोटली अपनी इमोशंस के साथ ट्यून इन रहेगा, इमोशंस प्रधान रहेंगे इस इंसान के, हाई वाइब्रेशन में रहेगा, कॉन्फिडेंस से बड़ा चढ़ा रहेगा, ठीक है। क्रिएटिव आइडियाज़ और यहाँ पे जो है डेफिनेटली यहाँ पे जो है अपनी दिशा को देखते हुए नज़र आएगा। एक एक्वेरियस जो पार्टनर है वो स्टॉक करते हुए नज़र आएगा अपने पार्टनर को, एम्प्रेस की ऊर्जा में रहेगा, सोचेगा कि ये एक सोलफुल कनेक्शन है और दूर से अपने पार्टनर को स्टॉक करता हुआ, हालांकि अपनी थ्रोन पे बैठा रहेगा, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंस बड़ा चढ़ा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे एक्वेरियस की क्या लव एनर्जी है इस एक्वेरियस पार्टनर के लिए। दूसरे एक्वेरियस पार्टनर की क्या लव एनर्जी है इस एक्वेरियस के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स हैं दूसरे पार्टनर की, एट ऑफ पेंटिकल्स हैं दूसरे इंसान, टोटली मनी माइंडेड या मनी पे फोकस, तीसरा भी पेंटिकल, चौथा भी पेंटिकल। ये इंसान थोड़ा होल्ड बैक कर रहा है इस कनेक्शन से, सिर्फ काम 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 में लगा हुआ है, ठीक है। ये इंसान ज़्यादा पेंटिकल माइंडेड है या प्रैक्टिकल माइंडेड आप कह सकते हैं, या मनी माइंडेड थोड़ा कह सकते हैं, हार्ड वर्क बहुत कर रहा है कि पैसा कमाऊं, इस रिलेशन से थोड़ा होल्ड बैक कर रहा है, कुछ सीरियस नोट पे क्रिएट करना चाहता है, एक ऑफर भी देना चाहता है, ठीक है। फाइनल आउटकम क्या निकलेगी इस कनेक्शन की देख लेते हैं जल्दी से। फाइनल आउटकम इस कनेक्शन की, यहाँ लव है, अनकंडीशनल लव दोनों करते हैं लेकिन कोई एक्सप्रेस नहीं करता। ये आपकी रीडिंग थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।